माय गॉड गाइस, हम बारिश में फंस गए। ये देखें जी बारिश किस तरह हो रही है। पैर रखें, पैर से बस फोकस आप उधर रखो, ज्यादा बातों पे नहीं ध्यान दो। अगली दफा नहीं फिर खोलूंगी। कान खोल के मेरी बात सुन ले। मैसेज सुन रहे वो मेरी सुनेंगे। इन मर्दों की अपनी बीवी की ये सुनते नहीं है। सुनाओ 10 दफा बोलो 50 दफा बोलो फिर कहते हैं औरतें बोलती बहुत हैं। भाई क्यों बोलती हैं, वो सुनते नहीं है इनके कान खराब। अगर दूसरे की बीवी रास्ता पूछे हाँ हाँ नहीं नहीं हम बताते हैं, इधर से ऐसे जाए ना ऐसे जाए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कुकिंग विद अम्मी का यूट्यूब चैनल। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इधर नाश्ता बना जा रहा है, पराठा। पराठा वो भी आलू वाला, आलू मसाले में आटे में जा रहा है। किधर जा रहा है? मैं जा रहा हूँ जिम। नाश्ता नहीं करेगा? नहीं नाश्ता आगे करूँगा, गाड़ी कोई है नहीं, घर बाइक पे जा रहा हूँ। गाड़ी कोई भी नहीं? नहीं कोई भी गाड़ी नहीं, सारी गाड़ियाँ गायब हो गई। सारी कभी कभी गायब हुई है। एक कप चाय, अच्छा पराठा हो, एक कप चाय हो, आप तन्हाई में बैठे हो, सामने पहाड़ों का व्यू हो। मुझे सुबह उठ के सबसे बेस्ट ये लगता है, आप अपना नाश्ता बनाओ, बना के टेरेस पे ले जाओ, जाके बैठ के अकेले आराम से करो, सुकून से। बस अभी मैं भी जा रहा हूँ, फिर पूरे घर में सुकून ही आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। आप फिर बैठ के सुकून एंजॉय करना। भी मैं जा रहा हूँ, मैं भाई टेरेस पे बैठती हूँ, इधर नहीं बैठती। ये पानी क्या, जिम में पानी शानी कोई नहीं आता? जिम में आता है पर अपना लेके जाता हूँ घर से, पूरा दिन का पानी मेरा। ये जो बोतल है ना ये तो साथ ही रहनी है, ये बच्चा है इसका, सारे इसका मजाक उड़ाते हैं बहन भाई के, भाई इसका बच्चा है जेबी का। अच्छी बात है वो मैंने ये देखा है कि जो तुमसे कुछ टाइम पहले जब किडनी का हुआ था प्रॉब्लम के किडनी में स्टोन था इसके, तो वो लेकिन उसने तब से ये पानी इसने पीना शुरू किया ज्यादा, उसके बाद से मसला नहीं हुआ, अल्लाह ना करे कि कहीं हो किसी को भी किडनी स्टोन है, पानी की अपनी इंटेक ज्यादा। हाँ पानी, जिससे भी किडनी का कोई भी प्रॉब्लम है, जिसे वैसे भी किडनी का ना भी, आपको स्किन का प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी मसला है, बाल आपके हेल्दी हो जाते हैं, बाल स्किन, ये जो लोग क्रीम में चीजें लगाते हैं कलर फेयर, सिर्फ पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, और थोड़ा सा अपने आप को मसरूफ रखो, कामों में बैठ बैठ के टेंशनों में बंदा वैसे ही आधा हो जाता है। तो बाइक निकाल दो, मेरा दरवाजा तो खोल दे। यही ड्यूटी है, एक आ रहा है एक जा रहा है बाइक से। अब गिराज भी नहीं बंद करना, देखना ये सिर्फ सारी अय्याशियाँ अम्मा के साथ होता है, बीवियों के साथ नहीं होती। फिर वो कहती हैं खुद करो ना यार, खोलो मैं तो मसरूफ हूँ। अल्लाह अगली दफा नहीं फिर खोलूँगी। अगली दफा किसने खोलना? ध्यान से आराम से जाना और दुआ पढ़ ले। ओके जी, हमने बाइक कर दी, यहाँ पे पार्क, हम आ चुके हैं जिम में, ये जिम है मेरी। हेलमेट वगैरह उतारते हैं और अंदर जाते हैं, अंदर जाके अपना वर्कआउट करते हैं। अभी ये भी एक्सरसाइज करने लगा, वो भी करूँगा, एंड देन आई एम डन फॉर टुडे। ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया मुझे, 50 मिनट्स एक्सरसाइज के, 420 कैलोरीज पर। नाउ अभी मैं जाके 20 मिनट का कार्डियो करूँगा, सो लेट्स गो डू दैट। इट वाज गुड वर्कआउट मैन, लेट मी नो इन कमेंट्स कि आप लोग ज़्यादा वर्कआउट्स वगैरह देखना चाहते हैं या वर्कआउट में फिल्म करूँ जब मैं कर रहा था मैं। सो नीचे कमेंट करके बताएंगे यू गाइस वांट टू सी दैट, तो मैं बनाऊँगा वरना नहीं। वी आर डन विद द जिम, इतनी कैलोरीज हमने आज बर्न की हैं, लेट्स सी अराउंड अबाउट 686 कैलोरीज। सो या आई वाज प्रीटी गुड, अभी घर चलते हैं। ये किसी ने घर में रखे हुए हैं डॉगी, कितना शोर मचाते हैं ना जब वीडियो बना लेगा। ये जी नाश्ता अपना रखा है, सिंपल सा सादा सा नाश्ता है, चाय और पराठा। ऐसे कभी कभी पराठा खाती हूँ, बड़े दिनों बाद मैंने बनाया, रोज़ तो विटामिक्स और वो ही खाती हूँ। और ये मैंने बात पता है क्या, ये बर्तन क्यों रखे हैं, इनको इसलिए रखा है, रात कल मैंने ये चावल पर एक दिन कुछ दिन पहले मैं लाई थी एक स्टोर से 5 किलो चावल, इसीलिए ज़्यादा चीज़ लेते हुए ना बंदा डरता है। जेबी ने मुझे कहा बड़ा पैकेट ले ले, मैंने कहा नहीं पता नहीं आजकल ना चावलों में आटे में कीड़े होते हैं दालों में,
क्योंकि ये पीछे सावन गुजर के गया, जिनकी दुकानों पे ज्यादा रश नहीं है ना, वो लोगों की माल इतना मतलब सामान निकलता नहीं। ये मैंने छान के एक दफा रखे रात को कल, तो आज फिर एक दफ़ा छानूंगी कि कीड़े हैं बहुत ज़्यादा। फिर पकाते हुए तो इतना टाइम नहीं, बेशक 10 पानियों से भी निकाल लो फिर भी कीड़ा रहता है। स्कूल खुल जाए तो फिर बड़ा सन्नाटा होता है, मंडे का तो सैटरडे संडे शोर शराबा बच्चों का। दो तीन घरों में ही बच्चे हैं, दूसरों के तो बड़े हैं, इन तीनों घरों में तो बड़े ही हैं, पीछे जो हैं उनमें ज़रा छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों की रौनक होती है घर में। पहले नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके तो फिर वो कमेंट्स पढ़ूंगी, उसके बाद फिर कोई काम शुरू करूंगी। थोड़ा सा टाइम इस वक्त ये भी काम होता है मेरा। ओके जी, मैं घर आ गया, नहा धो के तैयार हो गया हूँ, बियर्ड शेड सेट कर लिया, कटिंग कर लिया थोड़ी सी। अभी हम जाके देखते हैं घर में क्या हो रहा है। घर तो बड़ा साफ सुथरा, बड़ी सफाइयाँ इधर हुई हुई हैं। वाह वाह वाह, ये अब्बू जी भी बैठे हुए हैं, क्या बात है। आज क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, छुट्टी मना रहे हैं। जाके देखते हैं जी कुकिंग विद अम्मी क्या कर रही हैं। ओहो हो, यहाँ पे तो सफाइयों का, चूल्हे साफ हो रहे हैं, सफाइयाँ हो रही हैं। ओहो हो, ये क्या हो रहा है? तवा साफ की है, तो फिर ऐसे हो जाता है ना, जैसे ये देखें ना अब साफ हो गया, नहीं तो ये साइडें और ऐसे जल जल के ना वो खराब हो जाती है ना। अगर आपका तवा गंदा हो जाए तो इस तरह इसको साफ भी कर सकते हैं। हाँ, तो आप देखो ना नीचे से भी सारा ऐसे उतारा है ना, ये कागज उतार दिए, और ये भी कुछ दिनों बाद कर दो तो फिर ठीक रहते हैं। ये तो फिर घरदारी है, ये तो करते ही रहना पड़ता है, जब तक काम है घर का ये करेंगे, ऐसे भी होते हैं काम। एक सेकंड थोड़ा सा उधर हो जाओ ना चूल्हे से, चाहे उसी वक्त गिर जाती। चूल्हा वैसे अभी साफ ही करने वाला था, करने ही लगी थी, फिर मैंने सोचा पहले तवा साफ कर लूँ उसके बाद फिर चूल्हा साफ करती हूँ। इतना भी गंदा मेरे लिए बहुत गंदा होता है। पर हमने मैगनेट लगाए हुए हैं जहाँ जहाँ भी हम गए हैं, जिस तरह इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ये वो हर जगह जाके ना हम एक मैग्नेट उठाते हैं उधर का, आके हम फ्रिज पे लगा देते हैं। ये फ्रिज पे इसलिए इतने मैग्नेट लगे हैं। अच्छा जी, जैसे टिकटॉक वाली आवाम को पता होगा, टिकटॉक के ब्लॉग में मैंने बताया था उस दिन मेरी जूतियाँ चोरी हो गई थी मस्जिद से, उसकी मैं थोड़ी सी क्लिप इधर भी डाल देता हूँ, आप लोग जो यहाँ पे उनको भी पता चल जाए क्या हुआ था। तो खैर, जूतियाँ हमारी चोरी हो गई थी, तो आज हमने जाना है वो जूतियाँ नहीं लेने, वो भी लेनी है अभी। हाँ, उस दिन हम बार्सिलोना जा रहे थे, वो फल्ला जो बारिश थी उस दिन, कितनी बारिश थी अम्मी, बहुत ज़्यादा, जे भी और मैं ही थे, बहुत ज़्यादा बारिश थी उस दिन भी। बल्कि आपने वीडियो बनाई थी मेरे ख्याल से। हाँ, मैंने दो क्लिप्स बनाए थे वीडियो, अभी वो दिखाते हैं आप लोगों को, देखें उस दिन हम बार्सिलोना जा रहे थे, कितनी ज़्यादा बारिश थी। मैंने कहा जे भी वापस मोड़ ले, कहते आप मोटरवे से, मैं कहा आप चढ़ आए तो पहुंचेंगे, पहुंच जाएंगे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं तो मतलब डर ही नहीं, मुझे परेशानी हो गई थी कि इतना इसमें बंदा ना, फिर 100 हादसा हो सकते हैं, कुछ है। बहुत बारिश थी, अभी आपको क्लिप्स दिखाते हैं, वो देखें आप। ये देखें जी बारिश किस तरह हो रही है, और जे भी साहब ड्राइव कर रहे हैं, हमें पता इतनी हो जानी है। हाँ, मैं नहीं पता था, हम घर से निकले थे कि थोड़ी बहुत ही होगी, कि ऐसे इतनी ज्यादा नहीं लग रहा था, वेदर भी नहीं मैंने चेक किया। मुझे ये पता था फ्राइडे को बारिश होनी है, लेकिन चेक नहीं किया। हम निकल आए हैं तो आप अल्लाह पाक खैर रखे, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही है। Oh my God, guys, हम बारिश में फंस गए। शुरू में लगा। अल्लाह पाक खैर रखे, खैर से बस फोकस आप उधर रखो ज्यादा, बातों पे, बातों पे नहीं ध्यान दो। अच्छा जी, हंडियां चूल्हे पे चढ़ चुकी हैं, हंडी में क्या बन रहा है? पालक और दाल। पालक और दाल, पालक के साथ दाल, मतलब पालक के बीच में दाल। मच्छर मेरे हाथ पे बैठ गया था, पालक के बीच में दाल डाली जा रही है आज। ये फ्रिज से निकालनी है चीजें, फ्रिज साफ, फ्रिज साफ किया, फ्रिज तो खाली कर दिया फ्रिज। हाँ, अभी साफ किया ना सारा, अभी मार्केट जाऊंगी। अच्छा जी, टी टाइम हुआ जाता है, ये देखें स्पेशल कप जिसके अंदर हम चाय पीते हैं। ये अब्बू इतना मोबाइल में फोकस करके क्या देख रहे हैं, इतना फोकस करके आप क्या कर रहे हैं मोबाइल में? टिकटॉक ये ख़राब हो गए हैं सारे माँ बाप, हर वक्त टिकटॉक पे बैठे रहते हैं ये लोग, बहुत ख़राब हो गए माँ बाप। हम कान खोल कर मेरी बात सुन लें, अच्छा मैसेज सुन रहे हैं वो मेरी सुनेंगे? ये मुझे ये नहीं समझ आती इन मर्दों की, अपनी बीवी की ये सुनते नहीं है,
सुनाओ, 10 दफ़ा बोलो, 50 दफ़ा बोलो, फिर कहते हैं औरतें बोलती बहुत हैं। भाई क्यों बोलती हैं, वो सुनते नहीं हैं इनके कान खराब। अगर दूसरे की बीवी रास्ता पूछे, हाँ हाँ नहीं नहीं हम बताते हैं, इधर से ऐसे जाए ना ऐसे जाए, फिर ऐसे अगर कोई मसला होता है तो मैं इधर खड़ा हूँ आपको बता देता हूँ। नहीं नहीं क्या मसला है बहन जी, बहन जी भी नहीं कहेंगे, क्या मसला है आपको, क्या लोगों दिन पूछ पूछ के दस देने अपनी खसमान खानी दी सुनता कोई नहीं कर। उस दिन मैंने प्रेशर का इन्हें कह के नीचे नमाज पढ़ने गई, मैं कह के गई थी, कह के नीचे बाहर, मैं जब नमाज पढ़ के बाहर मैं चिड़ियों के दाने डाल रही, मुझे इतनी स्मेल आई, इतनी स्मेल आई, सारा कीमा जल गया। मेरी सुने, आप मुझे नहीं कह के गई थी, बंद कर दे, ये जो आप कह रही हैं ये उससे अगले दिन की बात है कि आपने कहा था तो मैंने टाइम पे बंद कर दिया, वो और बात है भाई। इस जगह बंदा बैठा हो, जुल्म के ये जाब्ते हम नहीं मानते, असी मना लेने हैं। अच्छा असी मना ना ले, इधर बंदा बैठा हो उसको हांडी जल रही है, जो नीचे बाहर जाके हवा से इस तरफ जाएगी, इससे उधर जाके खुशबू, नीचे नमाज पढ़ती हुई भागती छोड़ के सलाम फेर के आई है कि जल गई हांडी, जल गई हांडी, ये इधर बैठे ही नहीं, खुशबू नहीं आई। पर मेरे नाक का मसला है, तुम्हें पता तो है मुझे नहीं आती खुशबू, अमनी तो बड़ी ज्यादा चाहिए थी। मैं आप बोलूं ना तो फिर पता चल जाए। कुकिंग में दमी, माशाल्लाह कितना प्यारा सूट पहना हुआ है आपने। पानी डाल रही हूँ आग पे, पानी डाल रही है, ये तो फूफी वाले काम कर रही है, तो आग लगाती हैं, सारे लोग ही लगाते हैं जिसका हाथ पहुंच जाए, लगानी नहीं चाहिए। ये ना मैंने लकड़ियां दी फालतू वो जलाई अभी, तो मैंने कहा हवा आया तो कहीं उड़ के नुकसान। अभी स्विमिंग पूल बंद किया, साफ कर रहे हैं आज, तैयार हो जाए ना फिर चलते हैं जूतियां लेने, चलते जूतियां तो उससे हाजिर है, जूतियां बढ़िया। गाड़ी में आके बैठ के कुकिंग में दम्मी के लिए गाड़ी ला के गेट के सामने पार्क कर दी है, आ जाए कुकिंग में दम्मी। फोन फोन फोन, इतना फोन इस्तेमाल करती है, सुबह का फोन नहीं पकड़ा था तो वो इतने मैसेज आए हुए। जी बेल्टें बांध ली हमने, बेल्टें बांध ली हैं, जेपी साहब ने अड़ान भरने लगे। अब हम चलते हैं जरा जूतियां बूतियां लेने। एक बात है, मैंने कहा मुझे नहीं लगता किसी की जूती चोरी होना इतना उस बेचारे को लोगों को पता चला होगा, वो दो एक दो दिन में तकरीबन 2 लाख लोगों ने वो वीडियो टिकटॉक पे देखी है। मैं इस बात में, मतलब जूती चोरी हो ना वो एक टॉपिक बन गया, हर बंदे ने वीडियो देखी होगी, जे भी तुम्हारी जूती किधर गई, जे भी अब सारे पूछ रहे हैं, जे भी जूती ली है, पता नहीं जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक तो आ जाएगी जूती, नहीं जूती तो आ ही जाएगी, आज आ जाएगी, जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक तो मुझे लगता है वो वीडियो मिलियन में जा चुकी होगी जब तक ये व्लॉग आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये हमारी मेन रमला है, मेन सिटी है बिंद्रेल, ये नाखून ना करवाएं, सुबह सफाइयाँ करते हुए एक एक करता है आधे घंटे बाद गिर जाए। मैंने कहा आजकल लड़कों ने ऐसी बड़ी शर्टें पहनी होती हैं, पता नहीं आजकल के ट्रेंड है। यहाँ पे मैं, पर यहाँ पे मुझे कोई जूतियाँ मिलनी कोई नहीं। ये देखें जी सारी गली उनने सजाई भी ऊपर से डेकोरेट की हुई, उस पर जूतियाँ नहीं हैं। अभी हम लेवस पे आ गए हैं तो जे बी साहब अभी चेक कर रहे हैं बैठ के, फिर क्या कर रहे हो, पसंद आई है कोई नहीं आई? हाँ जी फाइनल मेरे ख्याल से ये वाली हमने कर लिया, ये वाली वाले की है लेवस की है, पर ये वाली ये है जो थोड़ी बेहतर लग रही है। प्राइस दोनों की सेम है? हाँ जी प्राइस तो सेम है, इसमें ब्लू कलर भी है, ये ब्लू कलर है इसमें, पर मेरे ख्याल से ब्लू नहीं, मुझे तो वो ब्लैक भी नहीं पसंद, ये पसंद तो थोड़ी सी बड़ी है पर ठीक है। अब ये कब चोरी करानी है, है? ये कब चोरी करानी है? अच्छा जी फाइनल हमने जूतियाँ ले ली हैं, पे कर दिया हमने जूतियों का, फाइनली जूतियाँ मिल गई हैं। अब किस किस दिन चोरी करवानी, अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, अब देखते हैं ये जूतियाँ अल्लाह ना करे मैं ये मस्जिद पहन के नहीं जानी, तो चलते हैं अब गाड़ी की तरफ, गाड़ी जाके निकालते हैं घर जाते हैं। पार्किंग में आधा घंटा जाया, अभी आपको दिखा रहे हैं हमने पार्किंग की किधर, एक जूती लेनी थी हमने सारा शहर फिर के अंदर से, इसलिए मुझे ये शहर नहीं पसंद, बहुत छोटा है,
पार्किंग बहुत पार्किंग का नहीं, दुकानें भी नहीं है इतनी। हाँ, इससे बल्कि उधर ज्यादा है, विला फ्रांका वाली साइड पे ज्यादा तो शॉप्स हैं। शॉप्स यहाँ पे जो हैं वो इतनी खास नहीं है। हमें एक ही अच्छी मिली है, उससे हमने ले ली, चलो जैसे तैसे कर, कोई नहीं, साल एक छह महीने है, फिर चोरी हो जाए। देखें जी, गाड़ी हमने यहाँ पे लगाई है, यहाँ पे हमने गाड़ी लगाई है इतनी करीब करके, क्योंकि हमें और कहीं पार्किंग मिली ही नहीं, फिर लाइने लगी, हमारे पीछे लाइनें लग गई। अब हम आ गए हैं यहाँ पे मशहूर ज़माना, इसका नाम ही रख दिया हमने, मरका दोना। ये भी आसपास इतना ही लोग खाते बहुत है ना, लोग कितना खाते हैं क्या करें। इस व्लॉग में आपने कहा था आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं ये वीडियोस हमारी इस तरह की रैंडम, तो अभी हम रैंडम वीडियो की फिर मैं ज़्यादा कर रहे हैं। ये देखें मैडम खड़ी हुई है, काका रख दें एक्चुअली में। इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं बहुत, तो हमने कहा चलें इस तरह की और वीडियोस आपको बना दें कि दिया करें आप, ब्लॉग इस तरह के आपको भी अच्छे लगते हैं। ला ये देखो जी, ये सारी मेयोनीज की हैं और आगे सारे छोटे छोटे, ये सारी कैचअप चीज़ें, मतलब इसका है कि वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है। अब आपने और क्या लेना? मैंने वो सॉस लेनी है। देखें जी, लेने हम दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें, अब ये कितनी होगी, तीसरी चौथी चीज़ होगी। अम्मा साथ हो तो फिर भाई मेरा क्या कसूर है, मैं तो अच्छा अकेली खाती हूँ। लेने हम दो चीज़ें हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको। ओके जी, फाइनली मैडम को मिल गई सॉस। अच्छा जी, हम चीज़ें ऊपर रखते हैं इधर सारी, क्योंकि बिल बनवाने हैं, पैसे देने हैं जी। हम लोग घर आ चुके हैं, रात का टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम गुजर चुका है, मैं भूल गया था व्लॉग एंड करना, तो हम करने लगे हैं व्लॉग एंड। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट कर दें। अम्मी सो चुकी हैं, काफ़ी लेट हो गया, तकरीबन मेरे ख्याल से 2 बज चुके हैं। सो अपना सब ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी किया करें, बताया करें आपको व्लॉग कैसा लगे। और इसके साथ ही हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत 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 ख्याल रखना, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, ये थम्स अप कर दें, यही आपका प्यार मोहब्बत होता है। अम्मी ने मुझे मारना है।